से हमारे यहाँ मऊ में क्या हुआ कि पहले से ही यहाँ बेसिक शिक्षा आपके द्वार, तो जैसे टीचर लोग ग्रुप बना के मतलब गांव में जाते थे, कुछ बच्चों को पढ़ाते थे, तो जो बच्चे उनके साथ जुटते थे, जैसे एक आध दो बच्चे आते थे, सभी बच्चे तो आ नहीं सकते, निश्चित रूप से यदि विद्यालय बंद है तो मैक्सिमम बच्चे तो आएंगे नहीं, तो जो नज़दीक के बच्चे थे एक आध दो बच्चों को लोग मॉनिटरिंग करते थे, मतलब जैसे कह सकती है कि 10%, 15%, 20% धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं बताए, और लोग गए तो जो किताबें आई थी किताबें उनको लोगों ने बांटा, टीचर ने ड्रेस भी दिया, मतलब कि फिर भी जो फेस टू फेस जो होता है मतलब बच्चों को पढ़ने का वो चीज़ नहीं रही। इससे तो निश्चित रूप से कोरोना की वजह से बच्चों का लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और वो किस प्रकार से होगा, और शासन स्तर से भी बहुत सी चीज़ें डेवलप की गई, जैसे हमारे माननीय जो महानिदेशक महोदय ने बहुत सी चीज़ें जैसे आप लोगों के माध्यम से या प्रथम संस्था के माध्यम से कुछ चीज़ें मतलब जैसे करके सीखना प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है, मतलब अभी भी जो बच्चे प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग किए बच्चों को अपने गांव से लेकर अपने बगल के स्कूल के जो बच्चे थे मास्टर से मिलके वो प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग किए, और उसी प्रकार से अभी तो इस तरह से लॉस तो हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन कुछ चीज़ें जो अन्य संस्थाएँ थी या विभाग द्वारा जो गाइडलाइन मिली इस पीरियड में, क्योंकि जो पूर्ण रूप से लॉकडाउन था वहाँ तो कोई उपाय नहीं था, लेकिन जब जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ कि रात का कर्फ्यू किया गया, फिर हुआ कि ख़त्म करके फिर दिन का ख़त्म कर दिया गया, तब जब लोग मतलब फेस मतलब क्यों कहते हैं कि दो गज की दूरी मेंटेन करिए, फिर आप सैनिटाइजर लगाइए जाइए, तब लोग गए, तब जाकर मतलब कुछ चीज़ें हुई, वो भी हमको लगता है कि 6 महीने करके लग गए उसको पटरी में आने के लिए, तो इस तरह से था, और निश्चित रूप से लॉस हुआ है। जैसे हमारे अभी सरकार जो कि एक मतलब महानिदेशक महोदय चला रहे हैं प्रेरणा ज्ञानोत्सव, जो 100 दिन का चलेगा, हमारा कैंपेन चलेगा जिसमें 6 किताबें आई हैं सरकार शासन द्वारा, कि जो बच्चे अभी आएंगे आउट ऑफ स्कूल थे तो कैसे उनको हम 100 दिन में उस जगह लाए जहां उनका छूटा हुआ था, ताकि अगली कक्षा में फिर हम उनको, और कुछ बच्चे हो सकता न भी आए उस चीज में, उस चीज को न प्राप्त करें जो हमारा मोटो है, तो उनके लिए रेमेडियल टीचिंग का प्रावधान है। तो ये 100 दिन का प्रोग्राम अभी 1 मार्च से चलेगा, और अभी आपने देखा भी है कि फिर कोरोना कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो रहा है, आगे क्या होगा, लेकिन ये प्रोग्रामी में है हम लोग के कि 100 दिन हम लोग चलाएंगे प्रेरणा जो ज्ञानोत्सव है, जिसको स्कूल जब 1 तारीख से प्रारंभिक खुलेंगे, और जूनियर को तो मान लीजिए खुल गए 50% 6, 7, 8 के आते हैं बच्चे अलग अलग डेट में, यही स्थिति। तो और इसमें आपकी संस्था भी शायद जुड़ी है, हमको लगा है हमारे यहाँ जो पांडे जी हैं अरविंद पांडे जी हैं वो जुटे हुए हैं, और हमको भी जोड़े थे 1-2 बार, तो यह है कि कहीं ना कहीं से उतना लॉस नहीं बच्चों को का जितना, बल्कि फिर भी जो हम लोगों को सर्वेक्षण मिला है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत कम हुआ है, बच्चे बहुत कम जुट पाए हैं इस ऐप के माध्यम से, चाहे रीड इलेन ऐप हो, चाहे दीक्षा ऐप हो, चाहे कोई भी ऐप के माध्यम से, क्योंकि गार्जियन तो इतना शुरू शुरू में तो सब इंटरेस्ट रखे थे कि ऐप को डाउनलोड किया, फिर बाद में उनको लगा कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर उसको डिलीट कर दिया। हम भी लोग भी लगे हैं जो हमारे डीलेट के बच्चे हैं कि एक बच्चा 25 लोगों को जो कि डाउनलोड करवाया दीक्षा, ताकि बच्चों को उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि हमने देखा है, हम तो यहाँ गुप्ता जी हमारे शिक्षक उन्होंने बनाया भी था, शुक्ला जी जुटे हुए थे उस दिन हम लोग थे, उन्होंने जो शून्य निवेश पर जो हाँ एक पैसा नहीं लगना, एकदम 0 निवेश पर कोई भी हम यदि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम तो एक्सेलेंट देंगे उसको, एक्सेलेंट था मतलब सहयोग उसमें आप लोगों का, और बहुत सराहनीय भी रहा, हम लोगों ने यहाँ किया भी था प्रोग्राम जो आपके विवेक शुक्ला जी हैं उन्होंने करवाया भी था, और हमारे जो टीचर थे जो उससे बहुत लाभान्वित भी हुए थे, उन्होंने अपनी चीज़ को प्रस्तुत भी किया था मेरे सामने, तो मैंने ये वादा किया कि मैं उन टीचर के स्कूल में भी जाऊँगा जो शून्य निवेश पर किए हैं, ताकि मैं भी देखूँ कि वास्तव में जो आपने किया है वो बच्चों को लाभ पहुँचा मतलब फायदा पहुँचा रहा है, बहुत फायदेमंद होगा, बशर्ते कि टीचर उसको देखे तब ना। प्रॉब्लम ये आती कि हम तो देख रहे थे, जैसे हम लोगों ने देखा 2-4 या हमारे टीचर जो देखे हैं वो बनाए हैं वास्तव में। अब बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस सुन लिए कर लिए एक बार देख लिया 10 मिनट, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत से गूगल मतलब मीट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से सेशन चलते हैं, बहुत लोग तो जुट जाते हैं, लेकिन देखा जब पूछा जाए कि उसमें क्या आपने देखा, क्या सीखा, क्या हमारे SPD साहब ने बताया, क्या किसी और ने बताया, तो बहुत ज़्यादा लोग बता नहीं पाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हाँ सर जुटा तो था मैं, लेकिन मैं मिस कर गया, भूल गया मैंने क्या देखा। जितनी भी ऐप है, जितनी चीज़ें हैं, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया बनाई गई हैं, बशर्ते कि उसको लोग समय दें, मेन चीज़ है समय, समय देंगे तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, एक आइडिया मिलेगी, उससे अपना भी इनोवेशन कर सकते हैं, अपनी जो आइडिया राजी लगा के उसमें उसको दूसरे ढंग से बच्चों के सामने, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो डिफरेंट एरिया से आते हैं, वो हमको उन्हें कहते हैं ना कि रेडीमेड बच्चे नहीं है, जहाँ की हर चीज़ सुविधाएँ दी गई हैं, और हमारे यहाँ तो बच्चा पता नहीं किस परिस्थिति आ रहा हो, उसका उस दिन खाना भी नहीं खाया हो सकता, उस दिन उसके फादर मदर
किसी के ऐसे होंगे जो नहीं भी होंगे, ननिहाल में पढ़ रहा हुआ, कोई बच्चा ऐसा हुआ जिसके घर में मम्मी पापा बाहर काम कर रहे होंगे, तो उस परिस्थिति से बच्चा आता है तो उनको बताना है, तो निश्चित रूप से इसमें रोल तो बहुत ज़्यादा है टीचर का। वो ऐप को देखते हैं और बताते हैं, क्योंकि सब बच्चे ऐप चला नहीं सकते हैं, गार्जियन चला नहीं सकता है, तो टीचर के लिए तो बेनिफिशियरी है, इसमें कोई शक नहीं है। सत्य कि उसको एक बार जरूर देखें भाई। यदि कोई भी हमारे ब्लॉक में या मेरे एनपीआरसी में या कहीं भी एक रोल मॉडल स्कूल होगा, तो निश्चित रूप से टीचर को हम यदि वहाँ कहेंगे भाई ठीक है शैक्षणिक भ्रमण होता, आप जाते हो, आप चलो उस स्कूल में देखो वहाँ के टीचर की क्वालिटी क्या है, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ के जो जीरो निवेश पर जो मटेरियल बनाए गए हैं, टेलम बनाए गए, उसको देखो, तो निश्चित रूप से जब वो देख के जाएगा तो उसके दिमाग में भी आइडिया आएगी और वो अपने परिवेश के आधार पर जो भी उसके यहाँ उपलब्ध संसाधन होंगे तो उस पर कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बस सकते हैं कि हम उस चीज़ को उस परिस्थिति में ला दें, मान लीजिए आदमी पैसा लगा के उसको बना दिया, अब पता चला कि उसमें कह रहा कि हमने कुछ निवेश नहीं किया है, तो वो थोड़ा सा दुविधापूर्ण है। क्योंकि और पहले भी हम लोग जब हम बीएससी थे तो उस समय एक मॉडर्न स्कूल की परिकल्पना है कि मॉडर्न स्कूल बनेंगे ब्लॉक में, जिसका एक तरह से वही रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट था, कि उससे क्या हुआ कि और स्कूल प्रभावित होंगे, टीचर को हम अभी भी हमारे यहाँ भी है कि कहीं कहीं जो डाइट अच्छे हैं या जो जिस कहीं जिले में अच्छे विद्यालय हैं तो वहाँ एक है ना कि शैक्षणिक प्रोग्राम बनाइए, वहाँ ले जाइए टीचर को दिखाइए कि उन्होंने क्यों इतना अच्छा किया, कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा, या कोई भी जैसे जब सर्वेक्षण होता पता चलता कि इस जिले का परफॉर्मेंस, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एसपीटी साहब ने किया था कि जो बरेली था, बरेली का जो मतलब डीएम साहब ने बोला था जो वहाँ कायाकल्प किया था, इतना बढ़िया कायाकल्प स्कूल का था, या फिर जैसे यहाँ सीडीओ साहब बनारस के जो कि उन्होंने अपने यहाँ जो रोल काम किया था वो दिखाया, तो इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो निश्चित रूप से बहुत ही बेनिफिशियरी होगा, बहुत अच्छा होगा। वो भी हमें यदि एनपीआरसी लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर सोच रहे हैं तो वो लोकल में जो स्कूल है उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि दूर हो सकता है नहीं जा पाए इस काल में, लेकिन नजदीक तो जा ही सकता है, देख सकता है। ये तो है कि मोटिवेट तो होंगे क्योंकि उनको कैश मिला है, लेकिन उस कैश का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा ये तो गार्जियन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। या तो उसमें हो जैसे मतलब कि जहाँ कैश की बात आती है वहाँ हर कोई मदद करेगा, बच्चा पढ़ना चाहेगा तो 50 रुपये मिला, 100 रुपये और 1000 रुपये मिला, वो तो अकाउंट जोड़ेगा कि मेरा अकाउंट बढ़ रहा है, लेकिन वह पैसा बच्चा हैंडलिंग करेगा, उसका गार्जियन हैंडलिंग करेगा या टीचर हैंडलिंग करेगा, ये मैं चाहता हूँ कि उसमें होना चाहिए। यदि गार्जियन को लगता है कि मेरा बच्चा यदि 50 रुपया कमाया है तो 10 रुपया मुझे मिले मेरे पेट भरने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको फीस करना पड़ेगा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फीस करती, इतना हम देंगे इतना आप देंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे उस साइज होकर तो पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी अर्निंग जैसे अभी आपने देखा होगा जो भी टैलेंट हंट चलता प्रोग्राम चलता वहाँ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको मिलता रिवार्ड, लेकिन उस रिवार्ड का जो है जैसे अभी स्कॉलरशिप आती है तो स्कॉलरशिप का 100% बच्चे को उपयोग हो या नहीं हो पाता, क्योंकि गार्जियन जो होते हैं जैसे अभी ग्रामीण परिवेश की बात है या मैं सोनभद्र में था ट्राइब्स रिया थी, तो वहाँ स्कॉलरशिप जाने के बाद गार्जियन पैसा पूरा ले लेता था, अब पता चलता था कि बच्चे की नीड की पूरी ना करके वो अपनी नीड पूरी करने लगता था, ये समस्या समाज में है। तो वो जो रिवार्ड है कैश रिवार्ड वो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप सांत्वना नहीं दे रहे हैं, सर्टिफिकेट के अलावा आप पैसा दे रहे हैं, तो वो तो रिवार्ड बहुत अच्छा है। बच्चे को एक कि हम आज कक्षा एक में है या दो में है तो हमने ये सॉल्व किया तो मुझे 50 रुपये मिला, 100 रुपये मिला, उसे उसकी जो कि कहते हैं ना कि पैसा कमाने की जो बढ़ेगी, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग हो ये कहीं ना कहीं उसको करना पड़ेगा, कैटराइज करना पड़ेगा कि टीचर इतना पैसा उसके यूनिफॉर्म में या उसकी पेंसिल में या उसके रबड़ जो मतलब चीज़ों को है दैनिक उपयोग चीज़ों में या इतना उसके खाने पर या उनको पेरेंट को दे सकता, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये चीज़ कटे करना पड़ा, या सीधे बच्चे को पैसा दिया तो हो सकता है मिसयूज कर सकता है, सीधे गार्जियन को दिया तो मिसयूज कर, टीचर को दिया तो हो सकता है कि वहाँ भी लोग कहते ना कि मे बी कि वो भी हो सकता है इधर उधर कर दे, तो ये मेरा थोड़ा सा इस पर था। अदरवाइज तो जिसको कैश मिलता है वो तो हर कोई चाहता कि आज हम 1000 में काम कर रहे हैं, कल अच्छी कंपनी मिल गई तो 2000 दे दे तो वहाँ चले जाएंगे, भले काम की अधिकता बढ़ जाए लेकिन जो कैश मिलता है उससे उसका जो काम करने की जो इच्छा बढ़ेगी, क्योंकि एक उम्र के बाद तो भी काम नहीं कर पाएगा ना, उसके बाद शिथिलता आएगी, कुल अनुभव काम करेगा, तब अनुभव जब काम करेगा तो इस तरह से बहुत अच्छी पहल है, इसमें कोई शक नहीं। बशर्ते कि वो जो फाइनेंस का जो हमको लगता है डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कैसे होना चाहिए, कहाँ यूज होना चाहिए, किस पर यूज होना चाहिए, ये जरूर आप लोग निर्धारित करते हैं कि 50 रुपये मैं दिया हूँ तो उसको कितने रुपए उसके इस पर खर्चा होना चाहिए, कितने रुपए इस पर खर्चा होना चाहिए, कितना उसके हाथ में होना चाहिए उसके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। मेरा तो सोचना है कि बी पॉजिटिव, क्योंकि अपनी एक धारणा है थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव एक्ट पॉजिटिव,
हमेशा फर्स्ट ही सोचे किसी चीज में, क्योंकि कोई भी समस्या हो, कोई भी कठिनाई हो, उसको कठिनाई मत मानिए, नो प्रॉब्लम, हैव ए चैलेंज। और कोई भी चैलेंज जब आप मानेंगे तो उसको आप स्वीकार करेंगे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रॉब्लम मानते हैं तो निश्चित रूप से वो कभी भी सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम में तीसरी प्रॉब्लम आती है। लेकिन चैलेंज मानते हैं तो निश्चित रूप, कोई चीज को चुनौती मानते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा शुरू से रहा है कि हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मा से पूछिए, अंतरात्मा से पूछिए, क्या आप कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, और उसको आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, जो हमारी सोच है। अब आगे आप लोगों की जो भी सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी है, विचारधारा होती है, अपनी अपनी सोच होती है, नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी है और मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से शिक्षा शास्त्र में परास्नातक किया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सन 2001 से जुड़ा हुआ हूं, पहले प्राइवेट, फिर 2009 से सरकारी अध्यापक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। मेरा विद्यालय जनपद बिजनौर में स्थित है। जनपद बिजनौर महाभारत कालीन साक्ष्यों के साथ गंगा के तट पर बसा कन्नौर ऋषि का आश्रम, ऐसे पवित्र स्थान पर भगवान की कृपा से मुझे बच्चों को शिक्षा देने का मौका मिला। यह स्थान मेरी कर्मस्थली बना, इसके लिए मैं ईश्वर का दिल से आभार करता हूँ। मेरा विद्यालय जिला बिजनौर में धनोरी कला, प्राथमिक विद्यालय धनोरी कला, विकास क्षेत्र हल्दौर, जनपद बिजनौर में है और मैं यहाँ पर प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में वर्तमान में 48 बच्चे पंजीकृत हैं और सभी पंजीकृत बच्चे छात्र छात्राएं ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। जब मेरे द्वारा सन 2015 में यहाँ पर प्रधान अध्यापक का इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया तो यहाँ पर जो आने के बाद मैंने विद्यालय की स्थिति देखी, मुझे बहुत दुख हुआ। नामांकन 10 बच्चों का, जर्जर हालत में विद्यालय, टूटे हुए शौचालय, मतलब चलो ये शायद चर्चा का विषय नहीं है, बहुत समस्याएं थी। लेकिन भौतिक परिवेश तो लगातार हमने मतलब सोचा कि किसी न किसी तरीके से हम कम्युनिटी सहयोग से, ग्राम प्रधान के सहयोग से, विभागीय अधिकारियों के सहयोग से या स्वयं के खर्च से हम ठीक कर ही लेंगे। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी वो थी विद्यालय में नामांकन की। मैं यहाँ पर उस समय शिक्षक के रूप में, हमारे दो शिक्षक साथी शिक्षा मित्र भाई तैनात थे, मैंने उनसे चर्चा की, मीटिंग की, बातें की, इस गांव के परिवेश के बारे में जाना, यहाँ के लोगों के बारे में जाना और 27 मार्च 2015 को मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया और 4 अप्रैल से सब कुछ जानने के बाद हमने अपनी नामांकन की मुहिम को शुरू किया। इसी क्रम में जब हम गांव में गए, लोगों के पास, लोगों से मिले, बातचीत की, उनके माता पिता से मिले, उनके पास खेतों में गए, उनसे बात की, उन्हें कन्वेंस किया, शाम के समय गांव में हम अपने साथियों के साथ बैठते, लोगों से बात करते, उन्हें कन्वेंस करते रहे और इसका प्रतिफल ये हुआ कि उसी साल से हमारा नामांकन धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने हम पर विश्वास जताया, कुछ ने अविश्वास जताया, लेकिन जिन लोगों ने हम पर विश्वास जताया हम उनके विश्वास पर पूर्ण रूप से खरा उतरना शुरू हुए। अब खरा उतरने के लिए सबसे पहले हमें अपनी शिक्षण पद्धतियों को, शिक्षण तकनीकियों को देखना था कि हम कैसे इन बच्चों को, इन अभिभावकों को एक मैसेज दे सके कि हम कैसे आपके बच्चों को एक बेस्ट शिक्षा दे सकते हैं। उसके लिए हमने नित नए नए नवाचार शुरू किए। नवाचारों की और अधिक आवश्यकता पड़ी
इसी क्रम में श्री अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा जो शून्य निवेश नवाचार का प्रोग्राम संचालित किया गया, उसी से हम जुड़े। विभिन्न प्रोग्राम उनके जेडआई के प्रोग्राम, इनोवेटिव पाठशाला, उनके नवाचार, अनुभव आधारित शिक्षा से बहुत सी ऐसी बातों के बारे में हमें पता चला कि कैसे हम अपने आसपास स्थित अपने ही विद्यालय परिवेश से छोटी छोटी चीज़ों को ही हम शिक्षण सहायक सामग्री बनाकर कैसे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी के ऑनलाइन वर्कशॉप का भी हमेशा लगातार लाभ लेता रहता हूँ, ताकि अपने बच्चों का लर्निंग आउटकम बढ़ाने का एक लगातार जो प्रयास हम कर रहे हैं उसे हम प्राप्त करने में सफल हो जाएं। आजकल कोविड महामारी के कारण जो बच्चों को ऑनलाइन हम शिक्षा दे रहे हैं, तो उसका पूरा प्रतिफल ऑनलाइन शिक्षा का हमको लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसी क्रम में हमने ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ अपने स्टाफ से चर्चा की और प्रति सप्ताह पीडीएफ के रूप में एक लेसन हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं और सप्ताह में एक दिन हम उसका फीडबैक लेते रहते हैं, ताकि इसमें बच्चे को किसी भी प्रकार से शिक्षा का कोविड की वजह से नुकसान न हो। मैं अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में आजकल मानता हूँ, क्योंकि हमारे समस्त स्टाफ द्वारा की गई मेहनत, हमारे इस गांव की कम्युनिटी के द्वारा की गई मेहनत, हमारी एसएमसी के द्वारा की गई मेहनत और गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम शिक्षा देने के साथ साथ अभिभावकों के साथ उनके बच्चों का टीकाकरण, साफ सफाई और शासन की समस्त योजनाओं का लाभ भी बच्चों तक, उनके अभिभावकों तक, बच्चों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा, एसएमसी के द्वारा भेजते हैं, ताकि अभिभावक जागरूक रहें। और जागरूकता बहुत ज़रूरी है, समाज में जागरूकता हो तो जागरूक समाज को शिक्षित करने में भी एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। सफलता की इस यात्रा में सभी सहयोगियों, श्री अरबिंदो सोसाइटी एवं एचडीएफसी बैंक को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने नवाचारी शिक्षकों को एक मंच प्रदान किया है, ताकि मैं अपने नवाचार एक दूसरे से शेयर कर सकूँ। धन्यवाद। नमस्कार, हमारा नाम अर्चना सिंह है। हमारी शैक्षिक योग्यता MBBED है और इस सर्विस में हमारा 9 वर्ष का अनुभव है। हमारी शिक्षक पद पर प्रथम नियुक्ति 14 जनवरी 2011 को जिला सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय दहिया शिरंग में हुई। वहां पर बतौर इंचार्ज सहायक अध्यापक के पद पर हमारी नियुक्ति हुई और 2015 में हमारा वहीं पर उसी जिले में हमारा प्रमोशन प्रधानाध्यापक के पद पर हुआ। 2016 में जिला स्थानांतरण होकर हम अपने गृह जनपद मुरादाबाद में आए और 4 अक्टूबर 2016 को हमने अपने जिले में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। अभी वर्तमान समय में हमारी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर हमीर ब्लॉक कुंदर की मुरादाबाद में है। जब हमने इस विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यभार ग्रहण किया, उस समय इस विद्यालय में 94 बच्चे नामांकित थे, जिनकी उपस्थिति प्रतिशत 45% से 50% मुश्किल से रही होगी। सर्वप्रथम हमने अपने समस्त स्टाफ के साथ मिलकर एक शिक्षण योजना तैयार की कि हमें इस चीज़ को कैसे सुधारना है, कैसे सुसज्जित करना है, कैसे अपने शिक्षण तरीकों को इतना प्रभावित करना है कि विद्यालय में ठहराव हो, बच्चों की संख्या बढ़े, गांव से बच्चों के अभिभावक प्रभावित हों और शिक्षा के लिए जागरूक हों। अभी वर्तमान समय में हमारे विद्यालय में 247 बच्चे नामांकित हैं और प्रति वर्ष हमारे बच्चों की, अगर पिछले 3 साल से हम कहें तो
उपस्थिति संख्या हमारी 85 से 90% रहती ही रहती है। अब हम बात करते हैं कि ये शिक्षण योजना तैयार करने का विचार कहाँ से आया, या जो बेसिक की जो हम लोग के लिए देखने को मिलता है कि बड़ी दयनीय स्थिति में हमारे विद्यालय होते हैं, बच्चे उतने जागरूक नहीं होते, अभिभावक उतने जागरूक नहीं होते, उस चीज़ के लिए हमारे मन में विचार कहाँ से आया। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत हुई ZII से। 2015 में हमने सर्वप्रथम ZII का प्रशिक्षण लिया सीतापुर जिले के इंदौर खैराबाद में BRC पर, जिसके प्रशिक्षण देने के लिए एक सज्जन आए थे, उनका नाम है मिस्टर राहुल कपूर। उन्होंने बड़े नवीन और सरल ढंग से हमको ये बताया कि आप किस तरह से जो ये बड़ी नाजुक स्थिति है, इन स्थितियों को कैसे सरल बना सकते हो और कैसे शिक्षण योजना तैयार करके किस तरह से अपने कार्य को प्रभावित कर सकते हो, किस तरह से एक आकर्षित वातावरण बनाकर आप बच्चों से लगाव के द्वारा, शून्य निवेश नवाचार के द्वारा भी बहुत सारी टेक्निक उन्होंने हमें बताई कि आप बच्चों को कैसे ठहराव ला सकते हो, कैसे बच्चों का नामांकन बढ़ सकता है, कैसे अभिभावक उस चीज़ को कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, अगर पॉइंट टू पॉइंट हम बताना शुरू करेंगे तो शायद बहुत लंबा समय हो जाएगा। उनकी एक बात ने बड़ा प्रभावित मुझे किया, जब बहुत हम सब लोग प्रशिक्षण ले रहे थे तो लोगों ने कहा, अध्यापकों ने सब लोगों ने कहा कि सर ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ इतनी कमियाँ हैं, हमारे यहाँ तक का वातावरण ऐसा है और ऐसे वातावरण में ये सब चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे अभाव में ये चीज़ें करना बड़ा कठिन होता है। तब सर ने सिर्फ एक बात कही कि किसी कार्य को ना करने के 100 बहाने हैं, हमारे पास एक सुंदर वातावरण नहीं है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है जो बच्चों को ज़रूरत होती है या जिनकी एक अध्यापक को आवश्यकता होती है, नहीं है वो हमारे पास संसाधन। उस कार्य को सफल बनाने के लिए हमारे पास बहुत चीज़ें ही नहीं है, तो एक काम को ना करने के 100 बहाने ज़रूर हैं। यदि हम उसी कार्य को करना चाहें तो उस कार्य को करने के लिए हमारे पास 1000 बहाने हम खुद तैयार कर सकते हैं, और बस फर्क इतना है कि हमारे अंदर एक काम करने का जुनून होना चाहिए। और उसी पंक्ति को याद रखते हुए मन में उसी समय ठान लिया कि कुछ तो करना है और विशेष करना है, हटके करना है। जो हमें एक जिम्मेदारी शिक्षक के रूप में मिली है उसको 100% हमें कैसे निभाना है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ के शिक्षण योजना भी तैयार की और उसका नतीजा सब लोगों के सामने है। सभी लोग प्रभावित होते हैं हमारे कार्य से, बच्चों की उपस्थिति से, बच्चों की शैक्षणिक योग्यता से, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और वर्तमान समय में भी हम ZII से जुड़े हुए हैं, इनकी जितनी भी इनोवेटिव पाठशालाएँ चल रही हैं उनका उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं और रोज नई नई चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलती हैं। कोरोना काल की जो एक दयनीय स्थिति थी, पूरा हमारा देश जो एक नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में बड़ा मुश्किल था कि जितनी मेहनत हमने की है वो इस पूरे वर्ष में शायद हमारी वो सारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी, हम फिर से हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, बच्चों को सिखाने में, बच्चों को समझाने में, बच्चों का लगाव विद्यालय के प्रति रखने में। लेकिन ZII ने हमारी इस चीज़ में बहुत मदद की है, हम लोगों को नए नए आयाम उन्होंने बताया कि कैसे कक्षावार, विषयवार किस तरह से हम बच्चों से जुड़ें, हम कैसे ऑनलाइन शिक्षण बहुत सरलता से उसको पूर्ण कर सकते हैं, कैसे बच्चों तक हम चीज़ों को पहुंचा सकते हैं, किस तरह हम बच्चों का लगाव विद्यालय से और अध्यापकों से बना कर रखें। ये सारी चीज़ों में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर दीपक शर्मा सर का, जो हमारे मुरादाबाद के ZII से ट्रेनर हैं और बहुत ही कुशल और सरल तरीके से वो हम अपनी चीज़ों को हम तक पहुँचाते हैं, समझाते हैं वो बड़े प्रभावी ढंग से, कि उनका समझाने का जो एक तरीका है, उनका जो ट्रेनिंग देने का एक तरीका है वो बहुत ही सरल है। ध्यानपूर्वक अगर उनकी बात सुनी जाए तो उन पे अमल करने का मन होता है और हम उन पे अमल करते भी हैं और उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने भी हैं। और इसी क्रम में मैं ZII का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी सारी संस्थाओं में से ZII एक ऐसी संस्था हमारे बीच में है जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी
शिक्षा लाइन के लिए एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी प्रोग्राम देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम इंदु प्रभा चौहान है। मैंने बीए बीएड एमए एमएड योग्यता हासिल की है। मेरा विद्यालय पीएस हामिदपुर माखन विकास क्षेत्र किरतपुर बिजनौर में स्थित है। बिजनौर जनपद की विशेषता यह है कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निरंतर प्रयास, नए नए नवाचारों के साथ प्रयास किया जा रहा है, उन्नति की जा रही है। मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हामिदपुर माखन बहुत ही उत्कृष्ट स्कूलों में गिनती की जाती है। मेरे विद्यालय में जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे मेरी समस्या ये थी कि छात्र रेगुलर नहीं आते थे और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते थे। मैंने यहाँ आने के उपरांत शिक्षा में और बच्चों में उत्सुकता पैदा करने के लिए नए नए नवाचार करने की कोशिश की, लेकिन जब से मैंने अरविंदो सोसाइटी ZIIE का नवाचार पाठशाला प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे वहाँ पर जो गतिविधियाँ नवाचार के लिए नए नए नित उपयोग बताए गए, मैंने छात्रों के साथ वो गतिविधियाँ वो प्रयोग करके छात्रों को जब बताए तो बच्चों में उत्सुकता रुचि उत्पन्न हुई। उस रुचि और उत्सुकता के कारण बच्चे रेगुलर स्कूल आने लगे, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से मेरे विद्यालय में 100% अटेंडेंस रहती है। बच्चे रेगुलर नया प्रयोग नई गतिविधि करने के लिए उत्सुक रहते हैं। मैं अपने विद्यालय को रोल मॉडल बनाना चाहती हूँ, मेरा विद्यालय रोल मॉडल बने, इसके लिए मैं, मेरे छात्र, मेरे साथी और मेरा भौगोलिक वातावरण को सही बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, विकास करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती हूँ। मैं अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए इस यात्रा में अपने सहयोगियों के नाम साथ सहयोगियों के साथ श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक की नवाचार योजनाओं का यह मंच प्रदान करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम फैजाना परवीन है। मैंने इंग्लिश से एमए किया है और उर्दू BTC की है। मुझे 10 साल का शिक्षा अनुभव है और मैं बुलंदशहर ज़िले में रहती हूँ। इस ज़िले की विशेषता ये है कि यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ बहुत खेती बाड़ी होती है और मैं शिकारपुर ब्लॉक में कार्यरत हूँ। यहाँ की एक विशेषता और है कि यहाँ बारहखंबा इमारत प्रसिद्ध है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, सभी जगह इसको जानते हैं। और जिस वक्त इस स्कूल में मैं आई थी, यहाँ 150 बच्चे थे और अब इस स्कूल में 230 बच्चे हैं। जब मैं तो मेरी ये समस्या थी कि बच्चों का ठहराव बहुत कम था और ना ही बच्चे पढ़ने में रुचि लेते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कुछ बच्चे बैग रखकर घर भाग जाते थे और छुट्टी के टाइम पर आते थे, तो हम बहुत परेशान हुए। हमने सोचा इस समस्या का क्या समाधान है, इसके लिए हम बच्चों के अभिभावक से मिले, उन्हें समझाया, बच्चों को भी प्यार से समझाया, उन्हें अच्छे से प्यार से पढ़ाया, नई नई एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई। लेकिन फिर इसी दौरान मुझे अरविंदो सोसाइटी द्वारा ZIIE का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिसमें हमें इनोवेटिव पाठशाला का पता चला और इसके अंतर्गत हमें नए नए नवाचार सीखने को मिले। हमें बहुत कम खर्च में या बिल्कुल ना खर्च करके भी हम बहुत अच्छी एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हैं और नया नया उन्हें सिखा सकते हैं। और इनोवेटिव पाठशाला के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि उसमें हर सब्जेक्ट का हर लेसन मतलब ऐड है, अगर हमें कोई परेशानी हो तो उसमें हम देख सकते हैं, उसमें सीख सकते हैं और उसमें हमें लेसन प्लान बनाने में भी हेल्प मिली। और इस इनोवेटिव पाठशाला के अंदर हम अपने स्कूल में बच्चों का ठहराव भी बहुत अच्छा हुआ, बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे।
और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, स्कूल नहीं आते थे, वो पूरे टाइम स्कूल में रुकने लगे और हमें काम भी करके दिखाने लगे, बहुत अच्छा पढ़ने लगे। हमारे स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हुआ है जब से हमने इनोवेटिव पाठशाला चलाई है। हमारे स्कूल में सभी साथियों को सहयोग रहता है, वो भी इसी तरह पढ़ाते हैं। और मैं अरविंदो सोसाइटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उसने हमारे लिए या शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हमारे लिए मंच तैयार किया, जिससे जो हम अपने बच्चों को अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन तरीकों से नए नए तरीकों से पढ़ा सकते हैं। और HDFC बैंक को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हमें ये मंच तैयार करके दिया है, और अरविंदो सोसाइटी का भी। देखिए, और ये COVID-19 चला है, इस पीरियड में हमें थोड़ी फुर्सत सी रही है, तो हमने अपने स्कूल में थोड़ा सा नवाचार किया है। कागज़ या चार्ट पर पेंटिंग न बनाकर हमने दीवारों पर बच्चों के लिए एक रोमांचक दीवारें बनाई हैं, जो बच्चे अपने स्कूल को सुनहरा किया है। देखिए, मैंने अपने हाथों से दीवारों पर पेंटिंग की है, मैंने TLM बनाए हैं। एक झलक मैं आपको अपने स्कूल की दिखाती हूँ, आइए चलते हैं। देखिए, मैंने इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत ये भी सीखा, मैंने ये अक्षर रील बनाया है। देखिए, का से कमल और घा से गमला, घा से घड़ी, चा से चाबी, और ये देखिए, ये स्कूल में बच्चों ने ग्लू थोड़ा फाड़ दिया था, ख़राब हो गया था, तो मैंने इसके कागज़ हटा के इस पर कलर करके, देखिए इस पर A से लेके Z तक ABCD लिखी है और 1, 2, 3 भी लिखी है। तो हम जो प्राइमरी क्लास, जो फर्स्ट क्लास में बच्चे आते हैं, उनसे इनमें ABCD पढ़ा सकते हैं और उनसे ढूंढवा भी सकते हैं कि बताइए A कहाँ लिखा है और B कहाँ है, 1 कहाँ है। तो ये हमारा नवाचार में आता है, और हम बच्चों को थोड़ी सी क्राफ्ट एक्टिविटी भी कराते हैं, जैसे कि कागज़ के फूल बनाने हमें सिखाए बच्चों को, ये रहे, और हमने ये ऐसी लड़ियाँ बनाई हैं जो हम दीवार पर लगाकर इन्हें डेकोरेट करेंगे, अभी लग नहीं पाए हैं। देखिए, बच्चों को ये भी एक एक्टिविटी में करवाया था, सैटरडे में जो एक्टिविटी होती है, और देखिए हम देखिए, ये मैंने घड़ी बनाई है, इसमें मैं बच्चों को टाइम देखना सिखाती हूँ, तो बच्चे आसानी से इसमें सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनी हुई है, इतने बच्चे किताब में देख के भी नहीं सीखते। ये भी एक इनोवेटिव पाठशाला से ही मैंने सीखा है, जो मैं इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को कुछ बताती हूँ। ये मैंने 1, 2, 3 लिखे हैं 10 तक, उसके आगे पिक्चर भी बनाई है ताकि बच्चे बहुत रुचि लेकर पढ़ें। पिक्चर देख के बच्चे बहुत ही आनंददायी तरीके से पढ़ते हैं। ये एक ये ABCD भी पिक्चर से रिलेटेड बनाई है, बड़े बड़े बच्चे यहाँ पर देखते हैं तो दीवार की तरफ देखते रहते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। मैं अरविंदो सोसाइटी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, और आगे 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 समय समय पर भी मैं उसका सहयोग लेती रहूँगी। हमारे दीपक शर्मा सर ने हमारा बहुत सहयोग किया है, ये सब ZII के प्रशिक्षण में हमारा कैसे क्या करना चाहिए, हमारे माइंड में जो विचार होते हैं हम अब दीपक सर से सलाह ले लेते हैं, उन्हें अपना बता जो विचार चलता है उन्हें बताते हैं, तो वो हमें और बेहतरीन तरीके से करने के लिए हमें बहुत सहयोग देते हैं, तो शुक्रिया। मैं तहे दिल से दीपक सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस नवाचार का जो मंच दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने हमारी हेल्प की है, धन्यवाद।
मेरा नाम सीमा गौहर, मैं एक शिक्षिका हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MA इन इंग्लिश और BTC। मैं हजरतपुर MUPS हजरतपुर कंपोजिट स्कूल में कार्यरत हूँ, और जो कि सैदनगर ब्लॉक में है और रामपुर में है, और ज़िला रामपुर में है। ज़िले रामपुर के बारे में तो आप सब लोग बहुत जानते हैं, यहाँ पर चाकू का कारोबार बहुत फेमस है और पतंगे बनाई जाती हैं, और भी बहुत से कारचों वगैरह के कार्य के लिए ये जगह फेमस है। यहाँ पैचवर्क भी बहुत अच्छे से होता है यहाँ पर, और सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है यहाँ पर रज़ा लाइब्रेरी है, बहुत वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी, जिसमें बुक्स का कलेक्शन पूरे दुनिया में मशहूर है कि यहाँ कितनी ज़्यादा किताबों की केयर की जाती है। और यहाँ पर कई हज़ार साल पुरानी किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पिछले 24 वर्ष से शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं जब इस यहाँ पर आई तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ देखने को मिली वो बच्चों का ठहराव नहीं हो पाता था। सारी ग्राम में प्रवेश से आते थे, और बच्चों का ठहराव के लिए मैंने बहुत से कार्य किए। इसके लिए मुझे बहुत से इनोवेटिव कार्य भी करने पड़े कि खेल खेल में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, और बच्चों को रोकने के लिए हम क्या करें। स्कूल में जब बच्चों का रिटेंशन होगा तभी बच्चे हम ज़्यादा देर तक पढ़ाई के लिए, जब बच्चे उपस्थित ही नहीं होंगे स्कूल में आएंगे नहीं, और स्कूल में आकर बहुत यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश में यही होता है कि कभी माँ बाप बच्चों को बुलाने आ जाते हैं, कभी कुछ करने का काम के लिए करने आ जाते हैं, या बच्चों का खुद पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ये सब को करने के लिए हमने बहुत सी मेहनत करी, बच्चों के लिए कुछ मनोरंजन के कार्य करे, कुछ इनोवेटिव ढंग से उनको पढ़ाने की सोची। तो इसके लिए हमें ये अरविंदो सोसाइटी के जो वक्तन अधिकतर प्रोग्राम्स होते रहते हैं उनका हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। कई नवाचार सीखकर हमने उनका बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों में ठहराव पैदा हुआ, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। और ये जो ट्रेनिंग देते हैं मोस्टली कभी किसी एक टॉपिक को लेकर, कभी हाइजीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कभी बच्चों को किस तरह से मनोरंजन से बच्चों के अंदर पढ़ाई की रुचि कैसे जागृत की जाए, ये सब अरविंदो सोसाइटी ने बहुत अच्छे ढंग से हमें सिखा रहे हैं। और हम कोशिश चाहेंगे कि ये आइंदा भी हमारे लिए कोई ना कोई इनोवेटिव कार्य करते रहें, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इनके सहयोग के साथ हम एजुकेशन को परिषदीय स्कूल के बच्चों में कि एजुकेशन में कुछ सुधार ला सकें। धन्यवाद। लॉकडाउन जो कोरोना के कारण लग गया था पूरे प्रदेश में, उसे शिक्षा की गतिविधियां एक तरीके से ठप सी हो गई थी, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो है इस बात का ख्याल रखा कि ये बच्चे, एक तो हमारे जो जिन बच्चों का वर्ग हमारे साथ जुड़ा रहता है, हमारे प्रसिद्ध विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बिल्कुल भिन्नता संधानन विहीन है, तो हमारे नेतृत्व ने हमारे अध्यापकों के लिए निर्देश जारी किया कि बच्चों के बीच जो गैप हो जाएगा इसको निरंतरता बनाए रखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए निर्देश दिए गए। हम लोगों ने खुद इस बात को रखा कि हम लोग कितना अधिक जुड़ सकते हैं, और जो निर्देश मिले थे उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को कॉन्टेक्ट किया गया, क्योंकि निकलने की मनाही थी तो फोन से ही कॉन्टेक्ट करके उनके नंबर कलेक्ट किए गए, और नंबर कलेक्ट करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको निरंतर पाठ्यक्रमों से जोड़े रखा गया, और जोड़े रखने के बाद फिर हमारे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत तमाम कंटेंट भेजे जाने लगे व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसको हम ट्रांसफर करते रहे स्कूल लेवल पर, स्कूल लेवल से जो है हमारे बच्चों तक वो पहुंचा, जिसकी कह सकते हैं कि जो हमारा इसकी जो कन्वर्जेंस होना था कि अधिकतर बच्चों का वो बहुतायत में नहीं हो पाया, लेकिन हम कामयाब रहे कि हम बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जोड़ने में कामयाब रहे इसमें, और
हमारे अध्यापकों ने भी इस लॉकडाउन में अपने आप को बचाते हुए कोरोना से बचाव करते हुए पूरे मतलब प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लगातार उस गतिविधि में हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया, क्योंकि ये माना गया कि ये जो दैविक आपदा है इसमें हमें किसी के साथ जो है जो गैप होगा उसे पूरा करने तत्पर रहना चाहिए। हम लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी करते रहे, लोगों के साथ वार्ता भी करते रहे, और शासन प्रशासन के जो काम हमारे शिक्षकों को सौंपे गए थे उसको भी हम लोग लगातार उसमें भी लगे रहे, क्योंकि प्राप्त करने का जो है बहुत सारे रास्ते हैं, अनंत हैं। हम शिक्षा कहीं से भी प्राप्त करें, कोई भी चाहे हम वो समाज के किसी भी वर्ग से प्राप्त करें या किसी संस्था से प्राप्त करें, तो ये बहुत सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि अरबिंदो सोसाइटी ने लगातार जो है इस तरह के काम पूरे स्टेट में या पूरे भारत में शायद कर रहा होगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एक हमारे अध्यापकों को एक मोटिवेशनल जो इम्पैक्ट होता है उनके कार्य प्रणाली पर, उसका एक सशक्त माध्यम अरबिंदो सोसाइटी रहा है। उसमें हमारे अध्यापकों को नई चीजें सीखने को मिली और जो शून्य निवेश नवाचार के वो थे इसके ओर प्रेरित भी हुए। और चूंकि अरबिंदो सोसाइटी लगातार हमारे अध्यापकों से मिलती रहती है तो हमारे अध्यापक भी इसमें चैतन्य रहते हैं और कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उसका परिणाम रहा कि जब हमारी आज का दौरा मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं प्रभावशाली भूमिका अरबिंदो सोसाइटी की रही। आज जब हम स्कूलों को आज देख रहे हैं कि इतने अच्छे TLM के साथ इतने अच्छे लर्निंग अधिगम के लिए उपयुक्त प्रणाली डेवलप करने में हमारे अध्यापक अध्यापिका इतने तत्पर हैं कि अब मैं कह सकता हूं कि एक सशक्त अध्यापक हमारे बीच में है जो बच्चों को पठन पाठन उनके लर्निंग अधिगम को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नरत है। इसमें भूमिका को मैं सराहना करता हूं अरबिंदो सोसाइटी की कि वो लगातार अपने रिसोर्सों से हमारे अध्यापकों का हमारे विद्यालयों में इस तरह के कार्यों को प्रगति दे रहे हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा की गतिविधियों को बढ़ाने के जो भी कदम उठाए जाते हैं उसके कुछ ना कुछ परिणाम जरूर आते हैं, क्योंकि हम आशावादी हैं कि जब भी कोई इस तरह की गतिविधियां शुरू की जाएंगी हमारे अध्यापकों की क्षमता में वृद्धि होगी, उन्हें एक शैक्षिक प्रणाली विकसित करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं हमारे स्कूल जो रोल मॉडल स्कूल की बात हो रही है वो हमारे स्कूल एक टॉर्च बेरर का काम करेंगे हमारे समाज के लोगों के लिए और हमारे बच्चों के लिए, और हमारे अध्यापक जो कुछ सीख पाएंगे अपने बच्चों को भी वो चीज अगर देंगे तो निश्चित तौर पर एक हमारा जो प्रेरक जनपद बनाने का या प्रेरक स्कूल बनाने का जो हमें लक्ष्य मिला है हमारे प्रदेश सरकार द्वारा उसको हम बनाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा इसका परिणाम ये भी होगा कि हम प्रदेश के अच्छे जनपदों में शामिल होंगे और हमारा प्रदेश इस तरीके से पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में निकलेगा। और चूंकि आप लोग लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं और हमारे शिक्षक मोटिवेटेड हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे और वो एक आगे की न्यू तैयार करेंगे हमारे शिक्षा प्रणाली के लिए। बहुत ही अच्छी पहल है ये, क्योंकि दंड और पुरस्कार की जो सीखने की प्रणाली में यूज की जाती है, पहले दंड और पुरस्कार का होता था तो उससे एक चैतन्यता हमारे बच्चों के बीच बनी रहती है। अगर उनको इस तरह से स्कॉलरशिप दी जाती है उनके पाठ्यों के आधार पर उनके प्रदर्शन के अनुसार तो निश्चित तौर पर हर बच्चा इससे मोटिवेट होगा और हर बच्चा इस पुरस्कार को जीतने के लिए हर पाठ्यक्रम को बड़े विधिवत पढ़ेगा और जहां उसको दिक्कत होगी अध्यापकों से को भी कह सकते हैं पढ़ाने के लिए कहेगा। और हमारे अध्यापक जब इस तरह के बच्चों को तैयार कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लोगों की स्कॉलरशिप कम पड़ जाएगी लेकिन बच्चे हमारे बढ़ते जाएंगे। और हर बच्चा जब इस तरह का धनराशि प्राप्त करेगा तो चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा बच्चों का एक बड़ा वर्ग है जो सुविधा विहीन है, साधन संपन्नता उनके पास बिल्कुल नहीं है, तो उन धनराशि से छोटी सी धनराशि से अपने पाठ्यगत और अपने कह सकते हैं कि गृह कार्य को लेकर के और अपने लेसन प्लान को लेकर एक नई कह सकते हैं वस्तुएं खरीद सकेंगे और शिक्षा की मुख्य धारा में चलकर हमारे लर्निंग आउटकम का जो ग्राफ है उसको बढ़ा सकेंगे। शिक्षा को अगर माना जाए तो एजुकेशन इज अ डिवाइन वर्क, शिक्षा देना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य भी है और जो लोग इस वृत्ति कार्य में जुड़े हैं उनके भी पुनीत कर्तव्यों में शामिल है। क्योंकि अगर शिक्षा के स्तर को हम उठाने में कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुनीत कार्य माना जाता है।
क्योंकि हम लोग शिक्षा की जो गतिविधियां हैं वो कहीं से भी हमको शिक्षा मिलती है उसे हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम जहाँ सीखने और शिक्षा प्राप्त करने की बात है तो ये कि निरंतर प्रक्रिया है, हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और अगर ये सीखने की प्रक्रिया हमारे बच्चों में अगर ये घर कर जाती है तो निश्चित तौर पर हम उन्हें अधिक से अधिक उनके पाठ्य के अनुसार, उनके लेसन प्लान के अनुसार और उनके सब्जेक्ट के अनुसार अधिक से अधिक उनको शैक्षिक रूप से उन्नत करने में सहायता प्रदान कर सकेंगे। और इसके अलावा मैं इन सभी कार्यकर्ताओं जो शिक्षक हैं और जो अन्य लोग हैं जो आप संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग हमारे चाहे वो अभिभावक हों और चाहे हमारे ग्रामीण जनता से जुड़े हुए कोई किसी प्रकार के पदाधिकारी हों, अगर शिक्षा के उन्नयन के लिए कोई भी वो कार्य कर देते हैं तो निश्चित तौर पर मानता हूँ कि उससे बड़ा पुनित कार्य कोई दूसरा हो नहीं सकता है। क्योंकि हम जिनको सिखा रहे हैं उनको वाकई में वो अंधकार से निकालकर अगर हम प्रकाश में ले आएंगे तो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। इसलिए हमारा नेतृत्व इसमें परेशान है कि हम उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बना सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो एक इस तरह की गतिविधियों से ये प्रक्रिया एक जन आंदोलन का रूप ले लेगी और जन आंदोलन जब रूप ले लेगी तो शिक्षा को सर्वोच्च स्तर प्राप्त करने में कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। मैं अंत में संदेश देना चाहता हूँ अपने साथियों को कि आप लोगों का ये कर्तव्य बहुत ही महान है, आप लोग अगर इसमें कार्य करते हैं तो मैं उनकी तहे दिल से कह सकते हैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह कार्यों में वो संलग्न होकर के नए पायदान पर कदम रखें और एक नया कीर्तिमान बनाएं।